है और मैं श्रीनगर से हूँ, तो मैं अब बताना चाहूंगी कि अभी हमारा जो सेंटर है वो आ गया, एडमिट कार्ड नहीं आया। कौन सा सेंटर? सेंटर हमारा पंजाब से आया हुआ है। हमने प्रेफरेंस फर्स्ट ईयर हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म भरा था उसका हमें सेंटर आया है पंजाब। तो हम लोगों ने अगर प्रेफरेंस श्रीनगर दी थी, हमने प्रेफरेंस पुलवामा दी थी, चलिए कश्मीर में कहीं से भी आती हमें कोई इशू नहीं था। अब जब इन्होंने हमें दिया है तो अभी एडमिट कार्ड नहीं है। हम चाहते हैं जब तक हमारा एडमिट कार्ड आएगा, चाहे वो कल तक आएगा परसों तक आएगा, उसमें चेंज वाजह होनी चाहिए कि वो चेंज कश्मीर की हो, क्योंकि मैं कश्मीर की एक लड़की हूँ, मेरी बहुत सारी बहनें जिनकी पढ़ाई यहीं पे रुक सकती है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कंटिन्यू करूं, मेरी बाकी बहनें रुक जाए यहीं पे। अदरवाइज आई कैन अफोर्ड, मैं अफोर्ड कर सकती हूं, मैं बाहर जा सकती हूं, बट मैं नहीं चाहती कि अगर हम एग्जाम देने बाहर जाए, हमें क्या पता है कि कल को वो हमें बोले जब आप एग्जाम देने बाहर आ गए आप अब कॉलेज भी बाहर ही कर दो। तो हम नहीं चाहते कि हमारी बहनें बाहर जाए, या अगर उनको सपोर्ट ना करे घर वाले तो वो यहीं पे छोड़ दे। हम चाहते हैं कि जैसे हमने आज तक हमारे सीनियर्स ने यहाँ पे ग्रेजुएशन की, हम भी वैसे ही करें। सिंपली करना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए था ये CUET का अब आज से फॉर्म निकला, हमें नहीं चाहिए। हम सिंपली करेंगे, हम अब या तो आप ही CUET हटा दो, हम सिंपली करेंगे, या तो आप हमें यहाँ का ही सेंटर दे दो। ये जानना चाहेंगे आप भी, वो भी चाहते हैं हमें अलो नहीं करे, या तो मतलब आप माने की एफर्ट आधे पेरेंट्स नहीं कर सकते, आप माने की आज उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है घर से कि वो नहीं जा सकते बाहर। मैं कहूंगी कि मेरे घर वाले एफर्ट कर सकते हैं, और मेरे मतलब घर वाले जो है वो ये भी कहेंगे कि चलो हम साथ आएंगे आप जाओ, क्योंकि मेरे पापा जो है वो एम्प्लॉय एफोर्ड कर सकते हैं, बट अदर बाकी जो है जो अदर पेरेंट्स हैं, मेरे पापा एम्प्लॉय नहीं है तो मेरे पापा मतलब अलो कर सकते हैं, मेरे पापा अलो ही नहीं कर रहे हैं। अगर हमें सिलेक्शन अगर हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा तो मैं शायद आपको पढ़ाई छुड़ा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं भेज सकता हूँ अपनी बेटी, यहाँ पे इतने हालात खराब है, हमें क्या पता है वहाँ। आप देखिए हमारे पेरेंट्स यहाँ पे साथ है, पेरेंट्स साथ है यहाँ पे, आप उनसे पूछिए। वो नहीं, वो ये नहीं चाहते कि हम कश्मीर से बाहर जाए, पहले तो वो ये नहीं चाहते कि हम श्रीनगर से बाहर जाए, अब वो हमें साथ आएंगे श्रीनगर से बाहर, लेकिन वो हमें जम्मू कश्मीर से सोच के बाहर नहीं भेज सकते। पहले हमें आप जानते हैं कि यहाँ की हालत बहुत मुश्किल से ठीक रहती है, अब यहाँ पे और ये लोग हालत बिगाड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। तो अगर हमें पढ़ना है तो हमें आप हमारी मर्जी से पढ़ने के लिए, अगर आप चाहेंगे कि हम पढ़ना चाहे तो आप हमें हमारी मर्जी से प्लीज पढ़ने के लिए दीजिए। और ये मत कहे आपके बहाने ढूंढ रहे कि सर्वर्स यहाँ पे कम थे, सेंटर्स थे कम थे, तो आप ये कहे कि आप ऐसे भी कर सकते थे, आधे बच्चों को आप आज एग्जाम्स ले सकते थे, आधे स्टूडेंट्स को आप। मैडम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने इस तरह का इनिशिएटिव क्यों उठाया हो? मुझे नहीं पता, शायद इंडियंस यहाँ पे बहुत ज्यादा आ जाए और यहाँ के बच्चे बाहर चले जाए, जो कि यहाँ के पेरेंट्स तो ज्यादा सेटिस्फाई इस बात से नहीं है, बट गवर्नमेंट शायद ये चाहते कि यहाँ की लड़कियां बाहर चली जाए, वो वहाँ पे जो मिलजुल जाए लोगों से, बट ये हमारे लिए ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं सोचा है।